सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़लाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर इस प्रोग्राम के अंदर हालत हाजरा के ऊपर बात की जाती है और इस वक्त मौजूदा इशू पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल का ये इशू बनता हुआ नज़र आ रहा है। कश्मीर का जो मसला है वो सर उठा चुका है। सन 47 से लेकर आज तक जिस तरह से इस मसले पर बातचीत होती रही है, मुज़ाकरात हुए हैं और इस मसले को अमन के तरीके से हल करने की बात की गई, मगर फिर जिस तरह से 5 अगस्त के बाद इंडिया ने जो इकदाम उठाया, अपने आइन को चेंज किया और कश्मीरियों के हकूक सल्व करने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब ये इशू इंटरनेशनल लेवल पर उठ चुका है। अक़वामे मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल, तमाम जगह पाकिस्तान इस मसले को उठा रहा है। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म साहब तमाम जगहों पे जाके इस कश्मीर के मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा जो कि जाते हुए दिखाई देंगे अक़वामे मुत्तहिदा में और आलमी अदालत में भी इस मसले को ले जाने के हवाले से बात की जा रही है और वहां पर भी इस मसले को उठाया जाएगा और अगले माह 27 सितंबर को भी वज़ीर आज़म साहब UN इजलास में इस कश्मीर के मसले को उठाएंगे, इस पर बात की जाएगी। और मोदी जो कि हमेशा मुज़ाकरात के लिए पहल करता हुआ दिखाई देता है, मगर जब मुज़ाकरात की बात आती है तो पीठ दिखा के भागता है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई मोदी की और जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सालिसी का किरदार अदा करने का कहा है, मगर मोदी ने यह बात फिर वाजे कर दी है कि कश्मीर का जो मसला है वो पाकिस्तान और भारत का अपना मसला है और इसमें किसी तीसरे सालिस की ज़रूरत नहीं है, हम इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। मगर दूसरी जानब वज़ीर ख़ारजा साहब ने बताया कि आज़ाद कश्मीर की जानब भारत ने कुछ ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां करनी थी, मगर वो भी हमने नाकाम बनाने की कोशिश की है और उसको अक़वामे मुत्तहिदा में उठाने के हवाले से बात की गई है। कश्मीर का मसला जो जूं का तू मौजूद है, चौथे हफ्ते में ये कर्फ्यू दाखिल हो चुका है। कश्मीरी अवाम जो 22 दिन से पाबंदे सलासल के तौर पर देखे जा रहे हैं, वहाँ पर घरों में महसूर हैं, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई है। जब एहतजाज के लिए निकलते हैं जो उनका बुनियादी हक है, तो उन्हें पैलेट गन और शेलिंग इसके साथ साथ वाटर कैनन का सामना करना पड़ता है और मुतादिद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, मुतादिद अभी भी गिरफ्तार हैं और इसमें उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। जिस तरह से मशाल मलिक हैं, यासीन मलिक की अहलिया, उन्होंने कहा कि तमाम कश्मीरियों को पकड़ के उनके तशद्दुद करने के बाद उनकी आवाज़ लाउड स्पीकर पर सुनाई जा रही है ताकि जो दीगर दूसरे कश्मीरी हैं वो भी इनसे सबक सीखें कि पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया जाए, मगर पाकिस्तान कश्मीर को अपने हिस्से में लेकर रहेगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा जो चल रहा है और ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। मौजूदा सूरत हाल कश्मीर की और इस पर किस तरह से सूरत हाल देखी जा सकती है और मुज़ाकरात के लिए कहाँ कहाँ जाया जाएगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मेहमान ग्रामी मौजूद हैं। सबसे पहले आगा मसूद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे, सीनियर तजियाकार हैं और कश्मीर के मसले पे बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। इन्हीं के साथ साथ तशरीफ़ फरमाएँ खालिद मुमताज़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है, आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इनके साथ ही तशरीफ़ फरमाएँ इकबाल सान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आगा मसूद साहब, क्या देख रहे हैं आप कश्मीर का मसला? 22 दिन हो गए हैं कर्फ्यू को, चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और 27 सितंबर को वज़ीर आज़म साहब UN में इस बात करते हुए दिखाई देंगे कश्मीर के ऊपर। आपको नहीं लगता आज जिस तरह से खिताब किया गया, कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत ज़्यादा थी ना कि फ्रंट फुट पे खेलने की? देखिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए कि जो हुकूमत जो पॉलिसी अख्तियार की हुई है
उसके अंदर जो सिफारती क़ुव्वत होती है, जो तवानाई होती है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। और यह है कि महज अखबारी बयान देना या यह है कि आप असेंबली में आके हाथ उठा कहना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बात असल ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत हमने कितने दोस्त बनाए हैं। देखिए कितने अफसोस की बात है कि यूएई में जनाब जबकि कश्मीर जल रहा है, लोग जो है मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहाँ उनको अवार्ड दिया जा रहा है मोदी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए हर चीज़ इकोनॉमिक नहीं होती। बस ठीक है कि हिंदुस्तान की मईशत बड़ी मजबूत है और वो पाकिस्तान से बेहतर, लेकिन इसके बावजूद भी इंसानी अकदार होते हैं, है ना, एक वैल्यूज़ होती है हर चीज़ की। तो आप वैल्यूज़ को हटा के और आप कहते हैं कि साहब वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7% 8% है, चीन के बराबर है। अब फिर ये कहना कि 3.1 मिलियन जो है हिंदुस्तानी जो है यूएई में रह रहे हैं, तो भाई ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए कश्मीर के मसले पर आज जो इमरान खान ने बात की है उसको क़त नज़र, मैं मेरी अपनी ज़ाती राय यह है कि ये जो कदम उठाया है 5 अगस्त का जिसका हवाला आपने फरमाया है, ये इसको रुकना नहीं चाहिए। इस अगर मोदी को आपने ये इजाज़त दे दी या ट्रंप ने इजाज़त दे दी कि आपने जो कुछ भी किया है और इसको ये है कि सिर्फ ये है कि बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब मोदी शुरू से ही बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, देखिए 2014 से लेकर और आज जब हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या मोदी ने चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों चाहे वो इमरान साहब हों किसी की बात पे उन्होंने तवज्जो दी कि हम बातचीत करेंगे? कंप्रिहेंसिव डायलॉग का कोई तस्वीर था हमारे आपके जहन में जहाँ में मज़ाकरात का पहले था? अब बिल्कुल नहीं। तो अब ये सवाल ही उठता है कि चाहे ट्रंप साहब हों चाहे कोई भी हो, ये जो मज़ाकरात के लिए इनकारी है, जो मुसलसल इनकार कर रहा है, तो फिर आप किससे मज़ाकरात करेंगे? शिमला माहिदा मानने को तैयार नहीं कर रहा, फिर शिमला के जरिए आप बात कर लें, ताशकंद को मानने को तैयार नहीं है, ताशकंद बात कर लें। अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो चीज़ें आई हैं उसमें दो चीज़ें आई हैं जो पाकिस्तान की मेरे ख्याल फतेह है। पहली बात तो ये है कि ये इंटरनल मैटर नहीं है, ये हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है, मतलब ऐसे ह्यूमन मतलब इशू जिसमें कि लोगों को मारा जा कर। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि साहब के इस मसले को हम बातचीत के जरिए हल कराना चाहते हैं, ना ये कहा ना सिक्योरिटी काउंसिल ने, सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने भी ये कहा, आपने पढ़ा होगा कितना बड़ा बयान सारे अखबार में आया। ठीक है, तो मैं अर्जी करना चाहता हूँ कि देखिए हमें इस सिलसिले में अपनी सिफारतकारी को मजबूत करना चाहिए, उसमें तवानाई पैदा करना चाहिए और ऐसे लोगों को इंडक्ट करना चाहिए कि जो बाबू ना हो, मतलब कि जो फॉरन ऑफिस में बैठ के डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, मैं कहता हूँ उनसे अगर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो सिफारतकारी में कोई मदद करेंगे या कश्मीरी आवाज़ की उनकी आवाज़ बनेंगे या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जज्बाती तौर पर जो हलचल में मौजूद है उसकी तर्जुमानी करेंगे या अक्कासी करेंगे, मैं नहीं समझता ऐसी बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ट्रंप साहब जो है ना ये एक दोहरा गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने मोदी को इशारा दिया कि तुम काम कर लो, देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ मेरे सामने सब मुझसे ज़्यादा काबिल लोग बैठे हैं, बग़ैर अमेरिका के इशारे पे कोई चीज़ तब्दील हो ही नहीं सकती। इनके एक वज़ीर ने जिसकी मीटिंग हुई थी बैंकॉक में आज से 2 हफ्ते पहले, उसने अपने एक साथी से बताया जो बैंकॉक अखबार में आया कि हमने अमेरिका को बता दिया है कि हम 370 जो है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, 35A को भी ख़त्म करना चाहते हैं। फिर इसके बाद ये कि G20 की मीटिंग में मोदी साहब थे, उसमें भी ट्रंप इन्होंने ये कहा कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि वट एवर द एक्शन मिस्टर मोदी हैज़ टेकन यू नो इन रिगार्ड टू द कश्मीर, इट वाज अमेरिका वाज टेकन टू कॉन्फिडेंस, अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया गया। और अब मतलब ये कि ट्रंप साहब समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं जो मेडिएशन करूँगा और मैं ऐसा किरदार अदा करूँगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते। ही वॉन्ट्स दे वॉर और वॉर हो जाए और अफगानिस्तान, फिर उसके बाद हमारे दोस्त बताएंगे, फिर वो अफगानिस्तान से भी अपना तवज्जो हटाना चाहते हैं जो इस वक्त सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि आई एटलीस्ट मैं एज ए राइटर आई डोंट ट्रस्ट अमेरिकन्स। ठीक है, आप नहीं करते ट्रस्ट नहीं करते अमेरिकन्स पे, और जिस तरह से सालसी के लिए बार बार कहा जा रहा है ट्रंप की जानिब से, मैं मौजूद हूँ, मैं सालसी का किरदार अदा करता रहूँगा, मोदी ने तो हमेशा डिक्लाइन कराया कि हम नहीं चाहते किसी तीसरे फरीक को, हमारा इंटरनल मसला है। खालिद मुमताज़ साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज इमरान खान साहब ने कहा है कि हर जुमे को बाहर निकला जाएगा, आधे घंटे के लिए एहतजाज किया जाएगा, कश्मीर के हक़ में एहतजाज किया जाए और इंडिया के ख़िलाफ़ किया जाए और मोदी की जो मौजूदा पॉलिसी है और उसके ख़िलाफ़ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा, हर आधे घंटे के लिए एहतजाज करना, आप समझते हैं ये काफ़ी रहेगा आधे घंटे का एहतजाज या इससे आगे बढ़ना चाहिए? वैसे तो आगा साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन देखिए मैं बताऊं कि हम पाकिस्तानी लोग सादे लोग हैं, जज्बाती बातों पर यकीन रखते हैं, वो समझते हैं कि जो कहा जा रहा है और जो जलसे और जुलूस दिखाए जा रहे हैं उसमें कोई हमारा रोल है।
اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہماری اکنامی کی حالت بہت خراب تھی. لندن میں اگر وہاں کیا نام ہے امریکہ میں جلسہ دکھا کر بتایا گیا نہیں صاحب ہم بہت کامیاب لوگ ہیں, یعنی جس بات کا جس کنٹیسٹ کا کوئی حوالہ نہ ہو وہ اگر وہ آپ کر رہے ہوں, اس سے زیادہ احتجاج لوگوں نے پہلے بھی کیے ہیں. اور جتنی شدید مخالفت آج موجود ہے ہندوستان کی جانب سے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور یہ وہاں کا وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے قدرتی ایک ریئیکشن ہے, اس کی اور کوئی بات نہیں ہے, صرف اس لیے کہ جو وہاں ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک قدرتی ریئیکشن ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے بہت کامیاب پالیسی فارن پالیسی اختیار کی, ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی دیگر نے بھی, تو پھر وہ بتائیں تو انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ پورا عرب امارات ہمارے ساتھ ہے. آج عرب امارات کا رویہ کیا ہے, وہاں رویہ یہ کہ جو آغا صاحب فرمایا کہ اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اور آج جس طریقے سے اور جس انداز سے وہ مودی بات کر رہا تھا ٹرمپ صاحب سے, ایسے نا پرانا دو جو کھلاڑی یاد مار کے دوسرے کی تاڑی مار کر گفتگو کرتا ہے وہ ایسی تاڑی مار کے گفتگو کرتا ہے ایک عام آدمی کی طرح. تو مطلب یہ کہ وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قابض ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ہم ذکر یہ کرتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارے ساتھ ہے, آپ جب گئے آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر کب کسی نے واضح طور پر کہا ہے, کب ٹرمپ نے واضح طور پر کہا بالکل ہم عمران خان کے موقف کو درست سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سالسی کا کردار ادا کریں گے. دوسرا سالس تیار نہیں تو آپ کردار ادا کیا کریں گے؟ اس سالسی جو اس سالس اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو راضی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ آپ کے کہنے پر اس کو راضی کرے تو ہماری کامیابی ہے. اگر وہ ایک لفظی جملہ کہہ دے کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ چلیے ٹھیک ہے ہم بڑا دل رکھنے کے لیے کہ وہاں بیچارے ہمارے کشمیری جو ہیں وہ تکلیف میں, وہ ایک خبر چلی جاتی ہے ایک میڈیا پہ نیوز آ جاتی ہے یا واٹس ایپ کے ذریعے کچھ پیغام مل جاتا ہے, وہ تک ان کے پاس رسائی حاصل نہیں ہے. آپ کریں کشمیر کا زندہ جو ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں, میں تو شاید ہم یہ زیادہ تجربہ ہے ان کا, جب سے ہم پیدا ہوئے یہ یاد نے دیکھا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ جب تک پاکستان خود مضبوط نہیں ہوگا وہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکے گا. پاکستان کی اپنی پالیسی اور کشمیر کے متعلق پاکستان کی اپنی پالیسی عمران خان صاحب نے بھی کہا ابھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اب اس موڑ پہ آ گئی ہے کہ اب مودی کو دو ٹوک جواب دینا پڑے گا. آپ کے ٹائم میں جس طرح سے تعلقات اچھے تھے, جو بہتر تعلقات تھے, آپ ریکمینڈ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کو کہ فلاں کام کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ کوشش کی گئی تو یہ کہا گیا کہ مودی کا یار ہے غدار ہے, بالکل, یعنی ہم کو کہا جائے کہ مودی کا یار ہے غدار ہے, خود پائلٹ پکڑو بغیر اس کے مانگے واپس کر دو, وہ محب وطن ہے. یہاں تو پیمانہ دیکھیے, ہمارے یہاں قوم کا ایک جو کہتے ہیں نا مشترکہ کوئی لایا ہونا چاہیے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں چاہے وہ پیچھے جائیں یا اس وقت جائیں, وہ مشترکہ لاہ عمل کے طور پر کام نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہماری فوج بھی کہے گی رد الفساد الگ ہے اور دوسرا جو پہلے تھے وہ کچھ اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ چلایا جائے. جیسے ہمارے یہاں کورٹ میں ہوں, کورٹ میں کیا کیا جاتا تھا, پہلے آئیں گے اے ٹی سی چلے گی تیزی کام کرے گی, ابھی وہ اے ٹی سی موجود ہے, اب ماڈل کورٹ بنا دی گئی. کیوں؟ ارے بھائی اسی اے ٹی سی کو بتا دو کہ اچھی طرح کام کرے. تو ہمارے یہاں تجربے کیے جاتے ہیں, ہمارے یہاں یہ نہیں کیے جاتے کہ قوم کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر ٹھیک ہے, ہمارے تجربے کیے جاتے ہیں. اقبال خان صاحب آج جس طرح سے ایک بات ان سے ایک کمنٹ, اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جس طرح سے آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر کا سودا کیا جا چکا ہے, کس بنیاد کے اوپر ایسا کہا گیا؟ کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ متعد صاحب, اور میں سینئرز کے ساتھ بیٹھا ہوں, میرے آغا صاحب آغا مسعود صاحب اور خالد ممتاز صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں مختلف قسم کے ویوز آ رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر کا سودا کیا جا رہا ہے, دیکھیں صورتحال مشکوک تو بنا دی گئی ہے. کیا ہم اس کو ٹائمنگ کو اگر اس کو دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کو اور اس کے بعد مودی کے اس عمل کو دیکھیں تو شکوک تو جنم لیتے ہیں. جس طرح میرے سینئرز نے کہا کہ امریکہ کے بغیر جو ہے مودی اتنا بڑا اقدام اٹھا نہیں سکتا تھا. دیکھیں بعض جگہ بولا نہیں جاتا, زبان نہیں ہوتی, بعض جگہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. آج ہم نے مودی کو دیکھا اور مودی کے ساتھ ٹرمپ کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھا, تو مودی کو ٹرمپ کے ساتھ جو جس باڈی لینگویج کے ساتھ دیکھا تو جو شکوک اور شبہات ہیں اس کو تقویت ملتی ہے. دیکھیں آج صورتحال یہ نہیں ہے کہ جی مودی نے جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی جی اس کو پورا کیا ہے, یا مودی نے کہا تھا جی میں سالسی کا کردار, دنیا تو کہتی ہے سالسی کا کردار ادا کرتا ہوں, لیکن مودی نے آج ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ میں دنیا سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے لہٰذا اس میں مداخلت نہ کریں. تو اس نے دنیا سے نہیں کہا, اس نے بیسیکلی ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے ٹرمپ سے کہا ہے کہ جناب یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی جواب ان کا خاطر خواہ نہیں تھا. دیکھیں صورتحال ہماری خارجہ پالیسی کی جیسے آغا صاحب نے کہا
कि हम अगर कहेंगे जी हमारी सिफारती पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और हमने बड़े लोगों को एंगेज किया हुआ है, तो बहुत माजरत के साथ हम लोगों के ड्राइवर बनते हैं, लेकिन वो जिनके हम ड्राइवर बनते हैं वो मोदी को जो है अवार्ड से नवाजते हैं। क्या इस पर हमें मायूसी नहीं हुई? हम पूरी कौम को इस पर मायूसी हुई है, और इनको सोचना पड़ेगा कि जिनको हम अमेरिका जाकर डांस करते हैं और पाकिस्तान में जो है मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं वो बड़े शादियाने बजाते हैं, और खान साहब का इस्तकबाल पहली पाकिस्तान की पहली तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई वजीर आजम अमेरिका से वापसी आया है, आगा साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि कोई वजीर आजम पाकिस्तान रात के दो बजे अमेरिका से पाकिस्तान आया, जनाब मिनिस्टर जो है वजरा जो है उसके लिए वो हार लिए खड़े हैं, और उस पर भी वो एक दूसरे को कोनिया मारे कि जनाब पहला हार मैं डालूंगा। तो जनाब आप जा किधर रहे हैं? क्या वो कोई फतह कर नहीं आए थे कश्मीर को जो आप हार लेके खड़े थे? आज जो चीजें यहां डेवलप हो रही हैं ये आपके लिए शकू को शुभात नहीं, आप ये इसको तकवियत मिलती जा रही है। देखिए आप क्यों इंडिया के इलेक्शन में जी आप इस बात का तजिया आपने कर दिया कि शायद मोदी जीतेगा तो पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छे मामला हो जाएंगे, क्या मोदी को वो नहीं जानते थे? क्या उनको ये नहीं मालूम था कि इंडिया में गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ उसने क्या रवैया अख्तियार रखा था जो ये आज कश्मीरियों को छोड़ेगा? देखिए यहां पर हमें जरा गौर करना पड़ेगा, मेरे सीनियर्स की मौजूदगी में मैं थोड़ा प्रीवियस जाना चाहूंगा। देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब अलहदगी हुई, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो फार्मूला तय किया गया, सर लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने उस वक्त जो राजा महाराजा और नवाब थे उनको इख्तियार दिया था कि वो जहां जाना चाहते अपनी सल्तनत को ले जाएं, उसके साथ अपने आप को ज्वाइन करें। हैदराबाद दक्कन के नवाब और नवाब ऑफ जूनागढ़ सर मोहम्मद खान जी साहब ने पाकिस्तान के साथ इलाहाबाद का ऐलान किया था। महाराजा डोगर जो थे कश्मीर के, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इलाहाबाद का ऐलान किया था। अगर जो हिंदुस्तान के ये मौकफ और ये प्ली बिल्कुल ठीक है कि जनाब चूंकि कश्मीर में जो है कश्मीर के महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाहाबाद का ऐलान किया था लिहाजा कश्मीर हमारा है, तो फिर जूनागढ़ की बात भी की जाए तो हमने अपनी पॉलिसी को इन दो रियासतों से दूर कर दिया। हुआ क्या? हुआ ये कि हम कश्मीर पर आज लड़ाई करें, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में इन दो इश्यूज़ को भी अभी भी ये मुर्दा इशू को अगर जिंदा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि मुर्दा इशू को अगर जिंदा किया जाए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन खर्चा पॉलिसी तो आपके टाइम में भी टाइम तो नहीं देखी गई। देखिए गुजरात की रियासत जूनागढ़ जो है उसके बारे में ये कहा जाता है उसके नवाब जो थे वो मुसलमान थे, लेकिन वहां पर जो आबादी जो थी वो मेजोरिटी हिंदुओं की थी। बिल्कुल इसी तरीके से कश्मीर के जो महाराजा थे, ठीक है शुरू से मुसलमानों पे तशद्दुद होता आ रहा है, आपके टाइम में भी बेहतरी होती हुई दिखाई नहीं दी, तो ऐसा क्यों नजर आया? देखिए हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि हमने अपने डेथ इशू को बिल्कुल उसको फॉलो क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से कश्मीर आज बिल्कुल तलवार की नोक पर आकर खड़ा है, कभी भी कुछ भी होने की सूरत हाल पर खड़ा है। तो हमें इन सब बातों को गौर करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। हम सबको ब्रेक का वक्त हुआ है आगा साहब, इसके बाद आपसे कंटिन्यू करेंगे। सबको बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए बहुत जरूरी है, और भले खारजा पॉलिसी को बेहतर करना हो या सिफारती ताल्लुकात को बेहतर करना हो, इसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अभी वक्त तनकीद का नहीं है बल्कि सबको यकजा होने का वक्त है, और कश्मीर के मामले पर सबको एक पेज पर आने की बहुत जरूरत है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है कश्मीर के मौजू के ऊपर, मौजूदा सूरत हाल जम्मू और कश्मीर की, और जिस तरह से वहाँ पर इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी है, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा आलमी अदालत सलामती काउंसिल तमाम जगह पर बात उठाई जा रही है, और मुज़ाकरात के लिए हमेशा से पाकिस्तान की जानिब से पहल की गई है। अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि भारत तुम अगर एक कदम भी बढ़ाओगे मुज़ाकरात की जानिब तो हम दो कदम बढ़ाएंगे, और इस मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। मगर इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बात उठती हुई दिखाई दी कि बोस्निया जैसे हालात पैदा होने जा रहे हैं भारत की तरफ से, इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ आगा मुसा साहब मौजूद हैं। आगा साहब, बात उठती हुई नज़र आई कि बोस्निया जैसे हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं मुसलमानों के लिए, जैसे पहले भी उसमें मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया, मारा गया, इस दफ़ा भी क्या ऐसी ही सूरत हाल दिखाई देगी क्या, जिस तरह से बातें उठ रही हैं कि बोस्निया का माहौल पैदा किया जा रहा है? देखिए आप बोस्निया की बात करें, आप मतलब ये कि शाम की भी बात करें, आप बात करें हमास की भी बात करें कि वहाँ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन की बात करें। देखिए मैं अभी इकबाल भाई ने बहुत अच्छी बात कही, देखिए बात दरअसल ये है कि जो हरी सिंह का जो उसने एक्सेशन किया था ना, वो तो बहुत बाद में किया था ना, तो उस एक्सेशन में जो अल्फाज हैं वो ये लिखे थे कि आई हेयर बाई ज्वाइन द इंडियन यूनियन बट विद वन कंडीशन कि देर विल बी प्लेबिसाइट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। देखिए कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, कभी भी 3000 साल की आप तारीख देख लें कभी हिस्सा नहीं रहा।
दूसरा माउंट बेटन ने एक लेटर लिखा, उसने कहा आई एम वेरी हैप्पी, राजा साहब लिखा लव, आई एम वेरी हैप्पी राजा साहब दैट यू हैव ज्वाइन इंडिया, बट एट द सेम टाइम आई फुली इंडोर्स योर व्यू के देयर मस्ट बी प्लेबिसाइट द राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर. दो दो चीज़ें, यही बात सिक्योरिटी काउंसिल में भी है. देखिए माउंट बेटन ने कहा और हरी सिंह ने कहा, अब वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये कहा है कि मतलब ये कि अंटिल अनलेस देयर इज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन फॉर द पीपल ऑफ द कश्मीर देयर विल बी नो सॉल्यूशन. आज भी आप यकीन करें कौन कुर्बानी दे रहा है, 70 साल हो गए, 1.5 लाख कश्मीरी मारे गए, कितनी औरतों की इज्जतें लूटी गई, तो ये कौन दे रहा है, कश्मीरी दे रहे हैं ना. तो आप मुझे बताइए कि पार्टीशन प्लान ये था कि जो मेजोरिटी, जो इकबाल साहब फरमा रहे थे, जो मेजोरिटी एरियाज होंगे उसमें मतलब ये कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे और वो बाकी पाकिस्तान के साथ, तो मेजोरिटी एरिया में कश्मीर वाज द ओनली कंट्री, वाज द ओनली प्लेस के जो जिसमें मुस्लिम डोमिनेट कर रहे थे. तो चुनाचे जब उन्होंने कहा कि वी विल ज्वाइन पाकिस्तान, तो उस पर आपने देखा कि बाद में कितनी बड़ी साजिश हुई, पंडित नेहरू ने की और वल्लभ भाई पटेल ने की और फिर माउंट ब्रिटेन ने की, क्योंकि माउंट ब्रिटेन की जो अहलिया थी शी हैड एन अफेयर विद नेहरू साहब से, उनके बड़े अच्छे आप तो किताब से. तो आप देखिए इन्फ्लुएंस किस तरीके पॉलिटिकल सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं खवातीन. तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि कश्मीर के साथ तो देखिए आज हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को तस्लीम ना करें कि हम क्यों कुर्बानी दें, कि मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ कि कश्मीर का जो मसला है ना वो एक तो बहुत बड़ी भयानक जंग की सूरत में होगा. दूसरी बात यह है कि जो जुल्म उन पर हो रहा है, जो उन पर तशद्दुद हो रहा है, जिस तरीके से वो मारे जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, आज एक 22 दिन हो गए, 22 दिन से ना उनके पास अद्वियात आ रही हैं, ना उनके पास खाने हैं, और जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, स्कूल बंद हैं और सारा प्रोपेगंडा किया जा रहा है. तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जो अखबार पाकिस्तान में फ़िल्टर होकर आते हैं, किस तरीके से क्या उन्होंने मंजरकशी की है कि उन पर किस किस्म की सूरत हाल है. बिल्कुल ये एक और करबला बन गया है, मुहर्रम आने से पहले एक और करबला आप कश्मीर में देख रहे हैं. तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए कि हमारी सिफारतकारी के सिलसिले में मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ऐसे लोग जो कश्मीर के मामले को समझते हैं, उसका फहम रखते हैं, उसका इदराक रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर शामिल कीजिए. ये फॉरेन ऑफिस के अगले का काम नहीं, पहली बात. दूसरी बात यह है कि ये जो कश्मीर के मुसलमान जो अपने कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि सन 1946 में हरी सिंह की बीवी ने 5 लाख कश्मीरों को कत्ल करवाया था, जिसमें सिख भी शामिल थे. कश्मीरी शुरू से ही अपनी जान को नजर देते हैं, तो अभी भी दे रहे हैं उसमें. जी हाँ, सिर्फ आजादी के लिए. देखिए मैं ये जुमला एक जुमला कह के फिर मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए 5 लाख कश्मीरों को हरी सिंह की वाइफ ने, और उसमें हिंदू भी शामिल थे और उसके अंदर सिख भी शामिल थे. तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तारीख को सामने रख के हम लोगों को बताएं, डेलीगेशन को भेजें, और ये कहना कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएं, ये जुमले तो अब मेरा हाल है उनकी कोई अहमियत ही नहीं है. ये जुमले तो इमरान साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे वज़ीर आज़म हैं, लेकिन इन जुमलों की कोई हैसियत नहीं है. आप एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं, आप दीवारों से है ना, ठीक है, दीवारों से बात नहीं है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है. तो मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए यकीनी तौर पर अगर एटमी जंग होती है, मैंने हिरोशिमा देखा, मैंने नागासाकी देखा, मैंने वो म्यूज़ियम देखे कि जहाँ पर वो लोग जो उनकी खालें तक चिपकी हुई हैं, उनकी हड्डियाँ तक चिपकी हुई हैं, आप वो मंज़र देख ही नहीं सकते. ये बड़ा भयानक जो है ना, अगर वही मंज़र दोबारा पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं मोदी की जानिब से, ट्रंप साहब जो हैं वो क्यों जोर नहीं दे रहे हैं? अगर एटमी जंग होती है, वज़ीर आज़म साहब ने पहले बता दिया है, तो सिर्फ 2 ममालिक पे इसका असर नहीं, बहुत सारी जगहों पे इसका असर देखा जाएगा. तो ट्रंप और अमेरिका क्यों इस चीज़ पे जोर नहीं दे रहा भारत को कि मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं तमाम मामले? देखिए मैं एक बड़ा मामूली आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो भी मैंने मुताला किया है तारीख का, मेरे और भी दोस्त हैं जो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं. बात असल ये है कि पूरी जो आग लगाई है ना, वो ट्रंप साहब ने लगाई है, ठीक है ना. देखिए अमेरिका के जो अवाम है वो बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, इफ़ यू मीट द अमेरिकन्स दे आर वंडरफुल पीपल, लेकिन पेंटागन और वाइट हाउस ये जो है ना, ये पॉलिसी जो बनाते हैं, ये अपने सियासी और अपने इक्तिसादी मफादात के लिए पॉलिसी बनाते हैं. मेरे पास से एक दोस्त ने हमास में ने तो मुझे एक वो भेजा, मैंने डिलीट कर दिया, उसमें ये इसराइली अखबार नवीस ने कहा था कि हमारे लिए अरब ममालिक को फतेह करना जो है ना 10 मिनट का काम है. आप इमेजिन करें ज़रा ये इस तरह. और उसने ये कहा कि 22 अरब ममालिक हैं जो सब वाइट हाउस के सामने सजदा कर रहे हैं. दिस इज़ माई व्यू. बहुत
अच्छा और काफ़ी बारीकी से इस पे व्यू दिया गया है आगा मसूद साहब की जानिब से, और जिस तरह से उन्होंने शुरू में बात की थी पूरी इनके बात का जो लबिलुबाब निकला है कि अमेरिकन्स पे और अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है जिस तरह से इन्होंने कहा है। और इन्हीं के साथ खालिद मुमताज़ साहब उनसे जानते हैं। खालिद साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, खारजा पॉलिसी पे सवालात उठे हैं मौजूदा हुकूमत की, क्या इससे पहले खारजा पॉलिसी थी, वज़ीर खारजा थे और जिस तरह से सफारती ताल्लुकात हैं उन्हें टैगल किया जा रहा था, मगर अब जो सफारती ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ वो तमाम बंद कर दिए गए हैं, तिजारती ताल्लुकात बंद कर दिए गए हैं, तो क्या इस सिनेरियो में बैठने के बाद क्या ये सूरत हाल बेहतर है? सिर्फ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने, मुज़ाकरात के आगे जाने के लिए कोई बात नहीं की जा सकती थी और कहा जा रहा था कि हम सिर्फ अब आलमी अदालत में ही मुलाकात करेंगे, तो क्या ये बेहतर है? देखिए, बात यह है कि जैसे आगा साहब ने कहा कि उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे बहुत एहतराम है इमरान खान का, तो उसके बावजूद जो है वो सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि उसमें वो लोग जो इस कश्मीर कॉज से वाबस्ता हों उनको इसमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हम भी सारे इख्तलाफ के बावजूद, सारे इख्तलाफात के बावजूद ये चाहते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करे और कोशिश करे कि जिस हद तक आगे जाकर वो कश्मीर के अवाम की मदद कर सकती है वो करे। वज़ीर आज़म का ख़िताब या फिर आप एहतजाज, ये सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए होता है, इसका अमलन जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए कि सिर्फ अभी दुनिया में कई ममालिक हैं जो कि असरानंदाज हो सकते हैं अमरीका पर भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका को वाहिद इतना कड़ा है, दूसरे ममालिक भी हैं जहाँ पर आप जाकर बात कर सकते हैं कि वो आप करेंगे क्या, मोदी आपकी बात सुन नहीं रहा, लाजमी है आप एक मीडिएटर चाहिए, वो मीडिएटर कायल करे उसको कि मसला जो है ये नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है, जो भी आपके जहन के अंदर हो। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये भी करना आपके बस में नहीं है तो फिर खारजा पॉलिसी की फेलियर समझा जाएगा। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर मैं तो जज्बाती किस्म का आदमी हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि साहब हमारी फ़ौज बहुत अच्छी फ़ौज है, हमारे असला बहुत आर्म है, हमारे लोग बहुत चाबुक हैं और हम दुनिया की नंबर वन आर्मी हैं। सही। जब एक आदमी समझने को तैयार नहीं होगा तो सारी कोशिशें कर लो ना, फिर आखिर में वो काम कर लो जिसके लिए मौजूद हो, उसके बावजूद क्या काम बचता है, वो नहीं तो हम भी नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इसे, मतलब वो नहीं है, अगर हम उनको तसल्ली देते उनकी जानें ख़त्म करवा दें, उसकी नस्लें ख़त्म करवा दें और अपने आप को मरने के लिए तैयार नहीं करें, ये नहीं होगा। फिर उसी हद तक रखो, फिर तो हट जाओ उस मसले से और उनको कह दो कि अपने तौर पर जैसे करना चाहते हो कर लो। अरे बात ये होती कि मैं आपको किसी एक बात के लिए एक दफ़ा कहूँगा, दो दफ़ा कहूँगा, तीन दफ़ा कहूँगा, अब मुझे पूरा यकीन हो जाए कि ये आदमी सुनने को तैयार नहीं है, फिर उसके बाद नंबर वन फौज, नंबर वन हमारी जो है मतलब कुर्बानी का जज्बा, और फिर हमारे टैंक, तो फिर सब चीज़ें होनी चाहिए, और अगर वो मर रहे हैं फिर हम भी मरने को तैयार हैं, हमें कहते हैं। ठीक है, इकबाल खान साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल है, 22 दिन हो चुके हैं, लोग खाने पीने की अशिया से महरूम हो चुके हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से OIC, सलामती काउंसिल, अक़वामे मुत्तहिदा, इन सबको जोर डालना चाहिए मोदी के ऊपर, भारत के ऊपर, के मुज़ाकरात पे आ जाओ, मेज़ पे आ जाओ और बातचीत के लिए हल करो, क्योंकि जिस तरह से वो जिस तरह जा रहा है भारत, वो जंग की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या देखें, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो OIC का आपने जिक्र किया, क्या OIC फाल है उस तरह जिस तरह हम समझ रहे हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में OIC का तज्जिया और तबसरा OIC पर किया जाता है, तो जवाब मिलेगा नहीं। देखिए, बड़ा वाविला किया, मैं कतई तौर पर यहाँ पर कश्मीर के इशू पे हुक्मरानों से इख्तलाफात पॉलिसी पे ज़रूर करूंगा, लेकिन हुक्मरानों के साथ खड़े हैं हम इस वक्त अवाम पाकिस्तान, तमाम सियासी जमातें, खान साहब को कई मौके मिले कि जनाब हम आपके साथ हैं, जब उन्होंने शरारत की थी, आपने वो अभिनंद को जब गिरफ़्तार किया तो तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि जनाब आप हिम्मत करें, हम आपके साथ खड़े, लेकिन उसके नतीजे में क्या निकला, देखें जब इन कैमरा ब्रीफिंग हुई तो इसी प्राइम मिनिस्टर ने, जब आपको तमाम सियासी पार्टी के लीडरान की जरूरत होती है, आपने क्या कहा कि जनाब मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, आपको यह रवैया अपना तर्क करना पड़ेगा, आपने पाकिस्तान में बसने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स को इज्जत देनी पड़ेगी, तब जाके आप मजबूत नजर आएंगे। आप यहां पर देखें, वजीर आजम क्या होता है, वो मुल्क का सरपरस्त होता है, सरबराह आला होता है, सब कुछ होता है, जब आप अपने लोगों को में डिफरेंसेस पैदा करेंगे तो आप इंटरनेशनली मैसेज क्या दे रहे हैं कि हम तो तकसीम है। आप देखें, मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पर इंडियन चैनल्स का तजिया करता हूं, डेली देखता हूं उनको, अगर आप उनको सुने और यकीन कीजिएगा, चाहे वो अपोजिशन की पार्टीज हो, चाहे वो इक्तदार वाले लोग हो,
وہ ان کا ٹوٹل جو فوکس ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرنا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح سے پاکستان کا ساتھ ابھی بہت کم دیکھا جا رہا ہے دیگر ممالک کے ساتھ, تو کیا پاکستان اکیلا دکھائی دے رہا ہے؟ عملی طور پر جو یو اے ای نے جو عمل کیا ہے آج, اس کے بعد تو شدید مایوسی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹرمپ کی باڈی لینگویج اور نریندر مودی کی جو باڈی لینگویج آج ہم نے دیکھی ہے, اس سے بھی ہمیں مایوسی ہوئی ہے. بات کہنے کی یہ اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو کب جا کے درست کریں گے. ہم 70 سال سے تو یہ آواز لگا رہے ہیں, جناب ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اخلاقی طور پر, صحافتی طور پر, ہم سفارتی طور پر کشمیر کے ساتھ کھڑے, لیکن ہم ہر بار کہتے کہ اب کے مار کے دیکھنے میں اس نتیجے پر پہنچ گئے ہم کہ انہوں نے اب کے مار ہی دیا ہمیں, انہوں نے آپ کے ماری دیا, اور اب بھی ہم ہمارے الفاظ کیا ہیں, جناب ہم ساتھ کھڑے ہیں. تو آخر آپ ان کا ٹی وی, میں نے پھر کہوں گا ان کے ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی پی او کی پہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے. مطلب آکوپائی کشمیر جو ہے پاکستان کے پاس جو ہے کشمیر, اس پر جو ہم تیاری کریں, وہ اس کشمیر کی تو بات ہی نہیں کرتے. وہ تو خان صاحب نے بھی بتا دیا کہ جس طرح سے تیاری ہو رہی تھی, وزیر خارجہ صاحب نے بتایا تیاری ہو رہی تھی, تمام صورتوں غور طلب بات ہے میرے بھائی, غور طلب بات ہے. کیا ہم سو رہے تھے جب کشمیر سے انٹرنیشنل صحافیوں کو نکالا جا رہا تھا؟ کیا ہم سو رہے تھے جب کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں فوج کا اضافہ کیا جا رہا تھا؟ کیا ہم اس وقت بھی سو رہے تھے جب کشمیر میں ٹورسٹ وہاں سے نکالے جا رہے تھے؟ ہم تھے کدھر؟ ہم کہتے ہیں جی ہم نے رابطے ختم کر دیے, ایک کھوکرا پاؤ مونا پاؤ کو بند کر کے آپ کہتے ہیں رابطے ختم کر دیے, فضائی حدود بحال ہے, واگا بارڈر کھلا ہے, ہم کیوں آخری ایک منٹ ہے, عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے اب پاکستان کی امیج کو اور پاکستان کو مزید بہتر کرنے کے لیے؟ میں اپنے بھائی ممتاز صاحب ان سے بات اتفاق کرتا ہوں کہ سفارتکاریوں کو مضبوط کرنا چاہیے, پھیلانا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے ٹرمپ کتنا, مطلب یہ کہ اس کے اندر کینہ ہے پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. اس نے 3 دن پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بلایا ہے نا, اور اس کو دہلی نہیں بلایا, اس کو بلایا احمد آباد میں بلایا, اور اس کو یہ میسج دینا چاہتا تھا پاکستان کو کہ دس از پلیس ویئر آئی کنڈکٹڈ کارنیج آف دا مسلمس, کہ 3-4 ہزار مسلمانوں کو میں نے اسی جگہ قتل کروایا تھا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ, جی ہاں دوسری بات یہ کہ پوکھرا قریب, تو کیا میسج اس نے دیا؟ میسج یہ دیا کہ میں جو ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں, قتل کر سکتا ہوں, ایٹم بم استعمال کر سکتا ہوں, یہی میسج تھا. کیوں دہلی میں نہیں بلایا اس کو؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے کہ کچھ حصہ کشمیر کا چین کے پاس بھی ہے نا, اور چین جو ہے نا اس چیز کو باقاعدہ مطلب یہ کہ مانیٹر کر رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ہانگ کانگ میں تھوڑا بہت ان کو تھوڑی سی پریشانی ہے, لیکن میں آپ سے بڑے وسوخ سے کہتا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر جنگ شروع ہوئی, جو پاکستان کے پاس جو ہے ایٹم بم ہے وہ ہندوستان سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ استعمال بھی ہوتے ہیں ٹیکٹیکل ویپن کے طور بھی استعمال ہوتے ہیں, تو آپ یاد رکھیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چائنیز کا اخبار پڑھا تھا, دے ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو یوز دی ہائیڈروجن بم, یاد رکھیے گا, یہ بالکل وہ استعمال کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے, دیکھیے وہ ان کا بھی تو اسٹیک ہے نا, ان کا بھی تو اکنامک اسٹیک ہے. صحیح, عمران خان صاحب ون بیلٹ ون روڈ پالیسی کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے, کیا سجیشن کریں گے پالیسی کو مزید کس طرح سے بہتر کرنے؟ میں نے تو یہی کہا, جو ہمارے تینوں پینل میں جو باتیں ہوئی وہ یہ کہ جو لوگ کشمیر کے مسئلے کو سمجھتے ہیں, تاریخ کے حوالے سمجھتے ہیں, سماجی طور پہ سمجھتے ہیں, سیاسی طور پہ سمجھتے ہیں, ثقافتی طور پہ سمجھتے ہیں, ان کو لے کر آئیے, جو ووکل ہوں, اچھا بولتے ہوں, کنونس کرتے ہوں, جن کی انگریزی اچھی ہو, کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج تو انگریزی ہے, جو کنوینس کرنا, جو اچھی طرح سے لوگوں کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں ان کو. خالد صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے آخر میں عمران خان صاحب؟ پہلی بات کہ گورنمنٹ کو تو میں پھر وہی کہوں گا کہ بہتری پیدا کرے, لیکن دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بہتری پیدا کرنے کرنے میں ان غریبوں کا بڑا برا حال ہے. اگر کوئی بہتری کی صورت نہیں آتی پھر پیغام پہنچایا جائے کہ لڑائی کے لیے بھی تیار. ٹھیک ہے, لڑائی کے لیے اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخر میں, لڑائی کے لیے تیار ہیں سب؟ بالکل بطاہر صاحب, میں آپ سے یہاں پر یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ملک میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کر بیٹھنا چاہیے, اور جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ جو کشمیر کے معاملے پہ کشمیر کے ایشو پہ جو زیادہ طاقت سے اس مسئلے کو ڈلیور کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, ان کو فرنٹ فٹ پہ لا کر, یہ دو باتیں, اور دوسرا ہمیں میسج اگریسو دینا چاہیے اور ان کو بالکل کلیئر کہ ہم تیار ہیں. آپ کا بہت شکریہ خالد ممتاز, اقبال سان صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. تمام لوگوں کو ایسے جو ہر بندے کو اور ہر صورتحال کو ٹیکل کر سکتے ہیں ان کو آگے لایا جائے, سفارتی تعلقات کو منقطع کرنا وقت کا تقاضا ہے یا حل طلب بات نظر نہیں آتی ہے, مگر سفارتی تعلقات کو بحال کر کے اور اچھے طریقے سے بات کی جائے اور مذاکرات کے ذریعے ہی اس معاملے کو حل کیا جائے. جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, مذاکرات سب کے مفاد میں, اور سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. اور آخر میں جو نعرہ لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور اس پہ بھی پاکستان کاربند ہے کہ اس مسئلے کو اور اس ایشو کو فوری طور پر حل کیا جا سکے. ناظرین مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, کل پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.